एक तरफ स्टॉर्म शैडो का प्रहार और दूसरी तरफ काला सागर में रूस के जासूसी शिप पर मरीन ड्रोन का अटैक। इन दोनों हमलों में एक बात कॉमन है, यूक्रेन को ये दोनों हथियार ब्रिटेन से मिले हैं। यही वजह है कि रूस ने एक बार फिर ब्रिटेन को धमकी दी है। रूस और ब्रिटेन के बीच अदावत का नया एपिसोड इवान खुर्स नाम के शिप पर अटैक से हुआ है। रूस ने दावा किया था कि यूक्रेन के हमले को नाकाम कर दिया गया, लेकिन दो ऐसे वीडियो आए हैं जिससे पता चलता है कि रूस को एक बार फिर नुकसान हुआ है। काला सागर का लेटेस्ट वीडियो रूस के दावों को गलत साबित कर रहा है। सेवेस्तोपोल बंदरगाह से आया ये वीडियो भी रूस के दावों पर सवाल उठा रहा है। रूस ने यूक्रेन के जिस हमले पर नाकामी की मोहर लगा दी थी, नया वीडियो उसे पूरी तरह खारिज कर रहा है। देखिए, मरीन ड्रोन तेज रफ्तार से इवान खुर्स शिप की तरफ बढ़ता है। सामने से हो रही फायरिंग की वजह से ड्रोन के आसपास समुद्र के पानी से बुलेट टकरा रही है, लेकिन ये शिप तक पहुंचने में कामयाब होता है और फिर धमाका हो जाता है। इस वीडियो से ठीक पहले रूस ने जो वीडियो जारी किया था उसमें ड्रोन नष्ट हो गए थे। रूस ने यूक्रेन के 3 ड्रोन को नष्ट करने और हमले की साजिश को नाकाम करने का दावा किया था, लेकिन अब एक और वीडियो में शिप के करीब धमाका दिखाई दे रहा है। रूस के दावों को गलत साबित करने वाला दूसरा वीडियो सेवेस्तोपोल से आया है। यहां ब्लैक सी में गश्त लगा रहा इवान खुर्स नजर आ रहा है। रूस का दावा है कि इवान खुर्स ड्यूटी खत्म करके लौट आया है, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि ये जहाज यहां मरम्मत के लिए लाया गया है। सेवेस्तोपोल में ही ब्लैक सी फ्लीट का मुख्यालय है, यहीं युद्धपोत और पनडुब्बी की मरम्मत का इंतजाम है। यहीं पर युद्धपोत और पनडुब्बी को ठीक करने वाले इंजीनियर रहते हैं। धुंधली तस्वीरों में जोरदार धमाका नजर आता है, लेकिन रूस ने शिप का वीडियो जारी करके ये दिखाने की कोशिश की है कि इवान खुर्स जैसा था वैसा ही सही सलामत पोर्ट पर लौटा है। दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं, धमाका हुआ या नहीं, नुकसान हुआ या नहीं, ये साफ नहीं है, लेकिन काला सागर से रूस और ब्रिटेन के बीच अदावत के नए शोले जरूर भड़क चुके हैं। रूस की मीडिया ने ब्रिटेन और अमेरिका दोनों पर आरोप लगाया है। रूस की मीडिया का दावा है कि इवान खुर्स पर हमले की साजिश में अमेरिका शामिल है। यूक्रेन ने ड्रोन बोट को अमेरिका की मदद से लॉन्च किया। यूक्रेन का ओचाकोव सेंटर अमेरिका की मदद से 2018 में बना। ड्रोन को स्टारलिंक सैटेलाइट की मदद से लॉन्च किया गया। रूस का आरोप है कि पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मरीन ड्रोन की सप्लाई की गई है, जिससे यूक्रेन ब्लैक सी में लगातार हमले कर सके। रूस ने ब्लैक सी या बेलगोरोद में हो रहे हमले के लिए ब्रिटेन को भी कसूरवार ठहराया है। रूस अब हर यूक्रेन के हमले के लिए ब्रिटेन को कटघरे में खड़ा कर रहा है। ब्रिटेन को लेकर रूस की इस आक्रामकता के पीछे कई वजह हैं। वजह नंबर 1, ब्रिटेन ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज की स्टॉर्म शैडो मिसाइल दी। वजह नंबर 2, ब्रिटेन ने यूक्रेन को घातक चैलेंजर 2 टैंक की सप्लाई की है। वजह नंबर 3, अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने यूक्रेन को सबसे अधिक हथियार दिए। वजह नंबर 4, ब्रिटेन ने यूक्रेन को अब तक 58,000 करोड़ के हथियार दिए। वजह नंबर 5, ब्रिटेन रूस से हीरा, तांबा, एल्यूमिनियम इंपोर्ट नहीं करेगा। ब्रिटेन से यूक्रेन आने वाले हथियारों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन दुनिया जानती है कि ब्रिटिश रॉयल नेवी का मरीन ड्रोन कितना घातक है। रॉयल नेवी के मरीन ड्रोन्स की ताकत के बारे में पूरी दुनिया जानती है। अब ठीक वैसे ही ताकतवर ड्रोन यूक्रेन के पास हैं। रूस को शक है कि ब्रिटेन ने यूक्रेन को बड़े पैमाने पर मरीन ड्रोन की सप्लाई की है, ताकि यूक्रेन ब्लैक सी में रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा सके।
पुतिन के लिए सबसे बड़ी चुनौती ब्रिटेन इसलिए भी है क्योंकि रूस ने ब्रिटेन को डराने के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन ब्रिटेन रूस की धमकी से नहीं डरा। ब्रिटेन को टारगेट करने के मकसद से ही पुतिन ने बेलारूस में हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस फाइटर जेट्स को रखा है। बेलारूस में MiG-31K की तैनाती है। ये फाइटर जेट हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस है। रूस के इन मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर है, यानी पुतिन के अटैक ऑर्डर पर साइन करने का मतलब है सिर्फ चंद मिनटों में लंदन में तबाही। लेकिन रूस की हाइपरसोनिक धमकी के बावजूद यूक्रेन में चैलेंजर 2 टैंक की खेप पहुंची और उसके बाद स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलें भी भेज दी गई। एक तरह से पुतिन को ब्रिटेन का यह खुला चैलेंज है जिसका जवाब अब तक रूस ने सिर्फ धमकियों और चेतावनियों से ही दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।